أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ترجمہ: تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا، بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی نافرمانی کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے. صدق اللہ العظیم. میں صدر مملکت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نامزد وفاقی وزراء سے ان کے عہدے کا حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا، کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنا فرائض کی کما حق ہو
अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो, या जिसके वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। ऐवान सदर में 18 रुकनी वफाकी काबीना की हल्फ बरदारी की तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निगरा वफाकी काबीना से हल्फ ले लिया है। तो ये मनाजर अब से कुछ देर पहले के जो हम आपको दिखा रहे थे कि ऐवान सदर में 18 रुकनी वफाकी काबीना की हल्फ बरदारी की तकरीब मुनाकिद हुई और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरा वफाकी काबीना से हल्फ ले लिया है। और इसके अलावा सरफराज भुगती जो हैं वो निगरा वज़ीर दाखला डॉक्टर शमशाद अख्तर को ख़जाना की वजारत सौंपी गई है। जलील अब्बास सलानी को वजारत खारजा का कलमदान दिया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि ऐवान सदर में 18 रुकनी वफाकी काबीना की हल्फ बरदारी की तकरीब का जो आगाज़ है तिलावत कुरान पाक से किया गया और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरा वफाकी काबीना से हल्फ लिया। निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी इस तकरीब में मौजूद हैं और ये 18 रुकनी वफाकी काबीना है। ये 18 रुकनी केयरटेकर कैबिनेट है जो कि अब मुल्क के अहम मामला देखेगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरा वफाकी काबीना से हल्फ किया है जिसके मनासर भी हमने आपको दिखाए। और ऐवान सदर इस्लामाबाद में ये तकरीब मुनक्किद की गई है जिसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। और ऐवान सदर में 18 रुकनी वफाकी काबीना की हल्फ बरदारी की तकरीब मुनक्किद हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरा वफाकी काबीना से हल्फ ले लिया है। पाकिस्तान के 8वें निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी इस तकरीब में मौजूद हैं, सदर मुमलिकत के बिल्कुल साथ ही बैठे हुए हैं। 18 रुकनी वफाकी काबीना की हल्फ बरदारी की तकरीब थी और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निगरा वफाकी काबीना से हल्फ उठा लिया है, हल्फ लिया है उनसे और बाकायदा तौर पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। अब ये 18 रुकनी वफाकी काबीना है जिसके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे आने वाले इंतखाबात से मुतालिक, मईशत के हवाले से, सियासी मामलात से मुतालिक, इसके अलावा मुआशी हालात से मुतालिक जो है सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो होगा इलेक्शंस का बरवक्त होना और इसके अलावा पाकिस्तान की जो मईशत है उसको इस्तेहकाम की जानिब गामजन करना। जैसा कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अगर ये तसलसल इस्तेहकाम का बरकरार रहे तो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो कि निगरा वफाकी काबीना के सामने होंगे और उनसे डील करना अब बड़ा ज़रूरी हो जाएगा चूँकि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस है उसकी बड़ी गूंज है कि वो डिले हो सकते हैं। तो ऐवान सदर में अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हमने आपको दिखाए थे जहाँ 18 रुकनी वफाकी काबीना की हल्फ बरदारी की तकरीब और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी काबीना से हल्फ उठा लिया। सरफराज भुगती निगरा वज़ीर दाखिला होंगे। डॉक्टर शमशाद अख्तर को ख़जाना की वजारत सौंपी गई है। जलील अब्बास जलानी को वजारत खारजा का कलमदान दिया गया है। तो इस वक्त वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको मिनिस्ट्री अहम मिनिस्ट्रीज़ दी गई हैं और इसके अलावा जो हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरा वफाकी काबीना से हल्फ लिया है। रिफ्रेशमेंट के लिए तशरीफ़ ले चले, शुक्रिया।